सरकार की लाख कोशिशों के बाद भी स्वास्थ्य व्यवस्था हर दिन चरमराती जा रही है। कोविड मरीज बेड से लेकर ऑक्सीजन तक की कमी झेल रहे हैं। सदर अस्पताल में संक्रमित मरीजों और डॉक्टरों के बीच मारपीट हो गई, जिसके बाद संक्रमित मरीज और उनके परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि रात के अंधेरे में रेमडेसिविर की कालाबाजारी हो रही है। सदर अस्पताल में परिजनों ने हंगामा किया, हमारे सहयोगी पूरी जानकारी दे रहे हैं। लाख प्रयास के बाद भी हर दिन स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमराती जा रही हैं। देखिए, रांची का सदर अस्पताल है जिसे पूरी तरह से कोविड अस्पताल के रूप में विकसित कर दिया है, लेकिन बेहतर व्यवस्था नहीं होने के कारण एक वृद्ध महिला को अस्पताल से निकालकर दूसरे अस्पताल ले जाने की कोशिश की जा रही है। लगातार ऑक्सीजन की समस्या हो रही है। आप देखिए, सदर अस्पताल का यह मुख्य द्वार है जहाँ से कोविड वार्ड जाया जाता है, और वैसे में एक परिजन है, परिवार के सदस्य हैं जिनके परिवार के एक संक्रमित जो थे वो भर्ती थे, लेकिन बेहतर व्यवस्था नहीं होने के कारण अपने परिवार के सदस्य के जो संक्रमित पाए गए हैं उसे घर ले जा रहे हैं। मैडम, कहाँ ले जा रही हैं, कब लाई थी आप? यहाँ पे 2-3 दिन पहले लाए थे, अभी आलम में ले जा रहे हैं। क्या यहाँ व्यवस्था नहीं सही मिल रहा है? इनका सुधार नहीं है तबियत में, इसीलिए ले जा रहे हैं। आप सुरक्षित रहें, क्योंकि लगातार अस्पतालों में बेड की कमी है, इसलिए आप अपने घरों पर सुरक्षित रहें। वैसी नौबत ना आने दें कि आपको अस्पताल आना पड़े, क्योंकि अगर आप अस्पताल आते हैं तो इन सभी समस्याओं से रूबरू आपको भी होना पड़ सकता है। सहयोगी अभय के साथ सत्यव्रत किरण, न्यूज 11 रांची। बिल्कुल, व्यवस्था सही नहीं होने के कारण लगातार जो लोग हैं वो अस्पताल को छोड़कर दूसरे अस्पतालों का रुख कर रहे हैं ताकि उन्हें बेहतर जो है वो स्वास्थ्य सुविधा मिल सके। देखिए, जो ऑक्सीजन सिलेंडर है वो सदर अस्पताल का है, और लेकिन मरीज को भी तो ऑक्सीजन का जरूरत है, कैसे बचेगा फिर? तो डॉक्टर से साइन करा के लाइए तो हम लोग यहाँ से, नहीं तो इमरजेंसी पेशेंट आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, सिलेंडर वहाँ से उपलब्ध कराएंगे। जो टेंडर लिया है उनसे बात कीजिए। बिल्कुल, लगातार ऑक्सीजन की कमी हो रही है, अभी भी आप डाउन हो जा रहा है, तो ये लोग समझते नहीं है कोई। आप समझिए, इस कोरोना के महामारी में जान बचाना कितना मुश्किल हो गया है। ऑक्सीजन सिलेंडर सदर अस्पताल का है, लेकिन मरीज को ऑक्सीजन की जरूरत है, फिलहाल सदर अस्पताल से दूसरे अस्पताल जा रहे हैं, बिना ऑक्सीजन के नहीं जा सकते हैं। देखिए, एक और महिला है जो कि पिछले कई घंटे से अस्पताल के बाहर दहलीज पर पड़ी है कि कब उनका जो है वो उन्हें भर्ती किया जाएगा, कब उनका इलाज शुरू किया जाएगा। एक तरफ भर्ती मरीज अस्पताल छोड़कर जा रहा है, दूसरे तरफ जो दूसरे मरीज हैं संक्रमित वो अस्पताल के बेड का राह देख रहे हैं कि कब उन्हें बेड मुहैया हो सकेगा, नसीब हो सकेगा और उनका इलाज हो सकेगा। तीसरी तस्वीर देखिए, कोरोना की संक्रमित इलाज के दौरान मौत हो गई, परिवार के सदस्य काफ़ी दुखी हैं। 7 बजे से अस्पताल की दहलीज पर थे लेकिन इलाज नहीं हो सका और मौत हो गई। क्या क्या समस्या हुआ दादा, कब लेकर आए? 8 बजे लेकर आए थे, घर से 6 बजे निकले, कोई इंटेंटेन नहीं किया। वहाँ गए तो बोले कि अरे मेरे पास बेड नहीं है, ये नहीं, फिर फोन करा तो फिर वहाँ से यहाँ यहाँ उधर से मुँह ऐसे करने लगे। आधा घंटा यहाँ रोते रहे हम, फिर 1 घंटा के बाद ऑक्सीजन बोले ठीक ठीक देंगे, ऑक्सीजन लगा रहे हैं, ऑक्सीजन लगा करके 3rd फ्लोर पे जाके गलियारी में ऐसे पार दिया, डॉक्टर छूने तक नहीं आया, इतना बोले उसको, बोले बेड नहीं आ रहे, बेड नहीं, हाथ तो देख सकते हो। कि आप सुरक्षित रहें, क्योंकि लगातार अस्पतालों में बेड की कमी है, इसलिए आप अपने घरों पर सुरक्षित रहें। वैसी नौबत ना आने दें कि आपको अस्पताल आना पड़े, क्योंकि अगर आप अस्पताल आते हैं तो इन सभी समस्याओं से रूबरू आपको भी होना पड़ सकता है। सहयोगी अभय के साथ सत्यव्रत किरण, न्यूज 11 रांची।